वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। आज शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के सितारों की मस्ती भरी शाम से, जब एक ही मंच पर शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान और गोविंदा जैसे सितारे हों तो फिर क्या कहना। मौका था मुंबई पुलिस के फंक्शन का, जहां कई बड़े बड़े सितारों ने परफॉर्म किया। साल भर एक दूसरे के दुश्मन बने सलमान और शाहरुख जब सामने आए तो क्या हुआ, आइए देखते हैं हमारी कवर स्टोरी में। इकतीस दिसंबर की रात बनने वाली है बॉलीवुड के सितारों की सबसे बड़ी रात। जी हाँ, एक ऐसी रात जहाँ फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे स्टेज पर अपने पैर थिरकाते। शाहरुख खान, सलमान, गोविंदा, ऋतिक रोशन, तनुश्री दत्ता जब अपने कदम थिरकाएंगे तो आप भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पाएंगे। दिल में धड़कन, मुंह में जबां और सांसें रुक जाती हैं। डॉन तो यही है, तो ये सायरन क्यों बज रहा है? This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable. क्या डॉन की इस महफिल में पुलिस भी शामिल हो गई है? जी नहीं, पुलिस की इस महफिल में आया है बॉलीवुड का डॉन। ये है बॉलीवुड की एक मस्तानी शाम मुंबई पुलिस के नाम। एक तरफ अपने दिल का मामला बताने में जुटे हैं ऋतिक और तनुश्री, वहीं दूसरी तरफ गोविंदा और सलमान भी अपनी पार्टनरशिप निभाते नजर आ रही हैं। आप खुद ही देख लीजिए कैसे। किंतु परंतु बंधु, सामने वो आती है, दिल में धड़कन, मुंह में जबां और सांसें रुक जाती हैं। और जब ये सभी एक साथ झूम रहे हैं तो भला हमारे किंग खान कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपना दर्द भरा डिस्को लोगों के सामने पेश किया। मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझा मैं ये अब किस किस दिल में मेरे दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। अरे, सलमान ने शाहरुख के सामने सिर क्यों झुकाया? कहीं पुलिस ने इन दोनों की दोस्ती तो नहीं करवा दी? नहीं नहीं, ये तो विजुअल ट्रीटमेंट का कमाल है। ऐसा होता तो कहना ही क्या था, उसकी बात फिर कभी, सिर्फ ये शाम मस्तानी। अभिलाषा सिंह, जूम, मुंबई।